वेलकम टू माय क्लास चैनल हम जो है करेंगे डेसिमल टू हेजा डैसिमल कन्वर्जन एंड हैगजा डेसिमल टू डेसिमल ठीक है पहले देखेंगे कि डेसिमल से एग्जाडासीमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं फिर हेक्जाडासीमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है ना वो इस टॉपिक पर जो पहला डेसिमल टू हेक्जाडासिमल डेसिमल नंबर है ठीक है थीके? उसको हमने हेक्जाडासीमल में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल नंबर की बेस क्या होती है टेन होती है उसको हमने हेक्जाडासीमल बेस सिक्सटीन में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल से हमने एग्जा डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे ये वाला मेथड करेंगे ठीक है डेसिमल से जब भी हमने अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना होना तो हम यही करते हैं तो डिफरेंस यहाँ पर ये यह आ जाएगा डेसिमल टू बाइनरी ये मैंने किया हुआ है ना तो डेसिमल टू बाइनरी में क्या होता है डेसिमल से हमने बेस टू में जाना मतलब बाइनरी में जाना है तो बाइनरी की बेस टू होती है तो यहाँ पर मैथड वही रहेगा जो हम करेंगे इधर हमने बाइनरी मतलब बेस टू में जाना है तो बेस टू टू से सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर हमारी जो बात होगी वो हैगजा डाइमल मतलब बेस सिक्सटीन के साथ होगी तो हमने सेम मैथड ये रखना है सिक्सटीन से सॉल्व कर लेना ओके okay? यहाँ पर हम राइट करते हैं कि ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये फर्स्ट वाला फाइव वन फोर एट नाइन और बेस भी राइट कर दो ये डेसिमल नंबर है ओके हेक्जा डाइमल में कन्वर्ट करना है ना तो यहाँ पर इसको राइट करते हैं और वहाँ बाइंड्री में करना है कन्वर्ट कर रहे थे तो वहाँ पर बेस टू से सॉल्व कर लिया अब हमने जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है ना डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जैसे कर रहे हैं तो हेक्साडेसिमल की बेस सिक्सटीन है तो इस नंबर को सिक्सटीन से सॉल्व करवा लेना अब जो है हमारे पास क्या करेंगे यहाँ पर न सिक्सटीन यहाँ पे फ़ाइव तो सॉल्व कर नहीं सकते फिफ्टी वन को करेंगे आप सिक्सटीन के टेबल में फिफ्टी वन भी हमारे पास नहीं आता फिफ्टी वन से छोटा हमारे पास क्या आता है सिक्सटीन के टेबल में फ़ोटी एट आता तो हम इसे कट करके फ़ोर्ट एट बना लेंगे और फोटी एट को सॉल्व कर लेते हैं सिक्सटीन कितने टाइम फोर्टी एट होता है हमारे पास थ्री टाइम हमारे पास तो फिफ्टी वन था लेकिन हमने फ़ोर्टी एट को सॉल्व किया जो बाकी है वो किधर इधर शिफ्ट हो जाएगा फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन मतलब थ्री इधर शिफ्ट हो जाएगा इसके पास तो ये बन जाएगा थर्टी फोर अब जो है सिक्सटीन के टेबल में थर्टी फोर भी नहीं आता थर्टी फोर से छोटा थर्टी टू आता है तो हम इसको कट करके थर्टी टू बना लेंगे इसको कट करके थर्टी टू बना लेंगे और सिक्सटीन कितने टाइम थर्टी टू होता है टू टाइम ये थर्टी फोर था हमने तो थर्टी टू को सॉल्व किया इसका जो टू है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये बन जाएगा ट्वेंटी एट अब सिक्सटीन के टेबल में ट्वेंटी एट भी नहीं आता ट्वेंटी एट से छोटा सिक्सटीन ही आता है हम इसे कट करके सिक्सटीन बना लेंगे और जो बाकी है ना बाकी जो है ट्वेल्व वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ओके तो सिक्सटीन कितने टाइम सिक्सटीन हो गया वन टाइम ये ट्वेंटी एट था हमने कट करके सिक्सटीन बनाया ना तो इसका जो ट्वेल्व है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया बन गया वन ट्वेंटी नाइन अब सिक्सटीन के टेबल में हमारे पास वन ट्वेंटी नाइन भी नहीं आता वन ट्वेंटी एट आता तो हम इसे कट करके वन ट्वेंटी एट बना लेंगे ठीक है और सिक्सटीन कितना टाइम वन ट्वेंटी एट हो जाएगा हमारे पास एट टाइम ये हमारे पास क्या था वन ट्वेंटी नाइन था हमने इसे कट करके वन ट्वेंटी एट बनाया जो इसका वन है वो यहाँ पर रिमाइंडर में आ जाएगा तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया आप वन वन डिजिट को इस तरह से सॉल्व करते जाओ ना तो ईज़ी हो जाता है बाकी दूसरा वे भी, भी आप देख सकते हो कि आपने किस तरह से इसको करना है अगेन सिक्सटीन से सॉल्व करते जाने जब तक हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो जाए सिक्सटीन को सॉल्व करो थ्री तो डिविजिबल बाय सिक्सटीन नहीं है ना तो थर्टी टू को करेंगे सिक्सटीन कितने टाइम थर्टी टू होता है टू टाइम अब सिक्सटीन जो है यहाँ पर हम वन को सॉल्व नहीं कर सकते एटीन को सॉल्व करेंगे तो अगर वन डिजुट को सॉल्व कर रहे होते तो बस ठीक है हमारे पास हो जाना था लेकिन अब टू डिजिट्स को इकट्ठे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाना है ओके okay? स्टार्ट में अगर टू डिजिट्स को करो तब जीरो नहीं आता ना पहले ना बाद में ठीक है लेकिन बाद में अगर आप टू डिजिट्स स्टार्ट में कर लिया ठीक है वो तो हो गया बाद में अगर आप वन डिजिट की जगह टू डिजिट्स को इकट्ठे सॉल्व करो तो फिर इधर ज़ीरो होना है जैसे डिवाइड करो तो वन डिजिट को सॉल्व उतारते जाओ नीचे और सॉल्व करते जाओ तो ऊपर क्वेश्चन में जीरो नहीं जाता जैसे हम टू डिजिट्स इकट्ठे नीचे उतारते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में ज़ीरो आता है वही वो कॉन्सेप्ट है सिक्सटीन के टेबल में एटीन नहीं आता एटीन से छोटा सिक्सटीन ही आता है इसे कट करके हम सिक्सटीन बना लेंगे और सिक्सटीन कितने टाइम सिक्सटीन होता है वन टाइम ये एटीन था हमने तो सिक्सटीन को सॉल्व किया टू इसका जो है रिमाइंडर में आ जाएगा इस तरह से सॉल्व करना है इसको अगेन सिक्सटीन ले लेंगे यहाँ पर और ये किस तरह से सॉल्व हो जाना है सिक्सटीन जो है हमारे पास यहाँ पर जो है ना ट्वेंटी है ट्वेंटी सिक्सटीन के टेबल में ट्वेंटी भी नहीं आता ट्वेंटी से छोटा सिक्सटी आता है इसे कट करके सिक्सटीन बना लेंगे सिक्सटीन कितने टाइम सिक्सटीन होता है वन टाइम ये ट्वेंटी था हमने तो सिक्सटीन को सॉल्व के इसका फोर यहाँ पे शिफ्ट हो गया बन गया फोर्टी वन अब सिक्सटीन के टेबल में फोटी वन नहीं आता फोर्टी वन से छोटा थर्टी टू आता तो इसे कट करके थर्टी टू बना लेंगे और सिक्सटीन कितने टाइम थर्टी टू होता है टू टाइम थर्टी ये तो फोटी वन था हमने थर्टी टू को सॉल्व किया तो इसका थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोटी फोर्टी वन नाइन नाइन जो है ना हमारे पास इधर आ जाएगा है रिमाइंडर में ओके और फिर जो है ना यहाँ तक आप स्टॉप करना चाहो तो राइट कर सकते हो यहाँ से या यहाँ से आ, आंसर और आगे इधर भी सॉल्व करना है एक और स्टेप में कोई इशू नहीं है आंसर तो सेम ही आना तो क्या हो जाना है सिक्सटीन के टेबल में ट्वेल्व नहीं आता तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाना और ये जो ट्वेल्व है वो रिमाइंडर में आ जाना फिर आंसर जो है या तो आप स्टेप रहने भी दे सकते हो तो तब भी आपके पास ट्वेल्व नाइन टू वन आंसर है ना और अगर आप इस तरह से तो देखो तब भी आपके पास जीरो को स्किप कर दो स्टार्ट में हम जीरो नहीं राइट करते ट्वेल्व ये ट्वेल्व नाइन टू वन ही आंसर है ठीक है जैसे भी करना चाहो लेकिन हम ट्वेल्व हमें पता है कि एग्जाडेसिमल सिस्टम में ट्वेल्व को हम जो है देखते हैं एग्जा सिस्टम की जो है बेस सिक्सटीन होती है ना और जो है उसमें ज़ीरो टू फिफ्टीन नंबर्स होते हैं और जीरो टू नाइन तक नंबर्स होते हैं उसके बाद नाइन सो ऑनवर्ड टेन टू फिफ्टी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं टेन ए है, के इक्वल होते हैं इलेवन बी के ट्वेल्व सी के ट्वेल थर्टीन डी के फोर्टीन ई के और फिफ्टीन एफ़ के हमारे पास यहाँ पर ट्वेल्व है तो ट्वेल्व के इसके इक्वल है सी के तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं सी या आप इस ट्वेल्व की जगह डायरेक्ट भी सी कर दो और आंसर कैसे राइट करेंगे अब हम वो देखते हैं तो इसको जो क्वेश्चन था फाइव वन फोर एट नाइन वो मैंने यहाँ पर राइट किया उसकी बेस मैंने यहाँ पर राइट की टेन डेसिमल नंबर था ना अब उसको राइट करना है तो वो क्या हो जाएगा ये सी के इक्वला सी नाइन टू वन आंसर है और जी इसकी बेस क्या है हमारे पास बेस हमारे पास क्या होगी जिस सिस्टम में कन्वर्ट किया है सिक्स एग्जेट में तो बेस उसकी सिक्सटीन होती है तो वो राइट कर दी ये तो हमारे पास हो गया कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं अब हम इसका जो दूसरा मेथड है कौन सा ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पहला है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल दूसरा वाला तो हम राइट करते हैं क्वेश्चन है क्या हमारे पास वन जीरो एफ ई ए है ये क्वेश्चन है बेस हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर जो है तो सिक्सटीन है अब आपने देखा कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल ये काम है और अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल तो हमारे पास ये काम होगा ठीक है ये वाला मेथड और यहाँ पर क्या है हमारे पास हो जाएगा जैसे मैंने आपको कहा कि जब डेसिमल से अदर सिस्टम में जाना तो ये काम ठीक है जैसे इधर भी डेसीमल से अदर सिस्टम में हम गए डेसीमल से इधर बाइनरी में इधर डेसीमल से हेग्जा में तो ये वाला काम होता है डिफरेंस क्या होता है डेसिमल से बाइनरी में तो बाइनरी की बेस टू होती है टू से सॉल्व कर लो डेसिमल से एक्जा डेसिमल में एक्जा डेसिमल की बेस सिक्सटीन होती है तो सिक्सटीन से सॉल्व कर लो अब आगे बात कि अदर सिस्टम से आपको डेसीमल uh, से अदर सिस्टम में कन्वर्ट करने का ये मेथड है ठीक है ये वाला डेसिमल से बाइनरी में चल जाओ एक्जा डेसिमल में या ऑक्टर में तो ये मेथड है और अदर सिस्टम से डेसिमल में हो जैसे बाइनरी से डेसिमल ये काम और हेक्सड एसीमल सेड एसिमल तो भी ये वाला काम डिफरेंस क्या है बाइनरी से एसीमल है तो बाइनरी की बेस टू होती है तो यहाँ पर टू टू राइट करना है इस तरह से और जब आपने हेक्जेड एसिमल सेड एसिमल में कन्वर्ट करना तो एग्जेड एसमल की बेस सिक्सटीन होती है तो यहाँ पर सिक्सटीन होगा और यहाँ पर टू टू की जगह सारा सिक्सटीन होगा ठीक है मैथड यही रखना तो बहुत ईजी है बस एक दफ़ा आपको समझ आ जाएगी तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाना है वन ज़ीरो फाइव एफ ई ए है ओके और बेस भी राइट कर लो सिक्सटीन है क्या होना है इस नंबर का फर्स्ट डिजिट राइट करो वन है मल्टीप्लाई के आना जो बेस है वो सिक्सटीन प्लस नेक्स्ट डिजिट ज़ीरो है वो राइट करो मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन वन बाय वन सारे डिजिट्स राइट करते जो है एफ़ मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन प्लस ई मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन और अब इसकी पावर जो साइन कर दो यहाँ पर ज़ीरो यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट आपने साइन करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीरो वन ज़ीरो से स्टार्ट करना है वन देन टू देन थ्री देन फोर एक और बात याद रखनी है कि पावर आपने इनके ऊपर असाइन करनी है सिक्सटीन के ऊपर इधर या इधर नहीं करनी है ठीक है उससे आपका रॉन्ग हो जाएगा वन और सिक्सटीन की पावर अभी वैसे ही रहने देते हैं मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूँगी अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताती हूँ यहाँ पर एफ़ इक्वल होता है अभी मैंने आपको दिखाया था ये अगेन देख लो एफ़ फिफ्टीन के इक्वल होता है ई e के और ए टेन के तो मैं राइट कर लूँगी कि एफ़ इक्वल होता है सिक्स फिफ्टीन के तो मैं यहाँ पे फिफ्टीन राइट कर लेती हूँ मल्टीप्लाई सिक्सटीन की पावर टू ऐसे ही ई e इक्वल होता है फोटीन के और मल्टीप्लाई बाई सिक्सटीन की पावर वन ए इक्वल होता है टेन के तो यहाँ पर टेन आ जाना है मल्टीप्लाई सिक्सटीन पावर ज़ीरो अब क्या हो जाना हमारे पास वन का वन पावर सॉल्व कर लेते हैं स्टेप में सिक्सटीन की पावर फोर सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स इसका क्या मतलब है सिक्सटीन की पावर फोर का मीन है कि सिक्सटीन को आप फोर टाइम राइट कर दो ठीक है तो सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन तो टू फिफ्टी सिक्स और जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आता है दैन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है प्लस जीरो का जीरो मल्टीप्लाई सिक्सटीन की पावर थ्री अब किसकी इक्वल होगा फ़ोर ज़ीरो नाइन सिक्स के प्लस फिफ्टीन का फिफ्टीन मल्टीप्लाई सिक्सटीन की पावर टू सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन होता है टू फिफ्टी सिक्स के इक्वल प्लस फोरटीन मल्टीप्लाई सिक्सटीन की पावर वन सिक्सटीन के इक्वल हो गया अब आपने याद रखना है जब भी किसी नंबर की पावर वन होती है तो वह नंबर ही आ जाता है और जब किसी नंबर की पावर ज़ीरो होती है तो वो वन का इक्वल हो जाता है ठीक है कभी भी पावर देखो किसी भी नंबर की जीरो है तो वो वन की इक्वल हो जाएगा और अगर पावर वन है तो वो नंबर ही आ जाना है क्या आ जाना है इसको मल्टीप्लाई करके सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स और इसको ज़ीरो से करेंगे तो ऑफ़ कोर्स ज़ीरो ही आ जाना है फिफ्टीन को टू फिफ्टी सिक्स से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा थ्री एट फोर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी प्लस सिक्सटीन को टेन सिक्सटीन फोटीन को सिक्सटीन से करेंगे टू ट्वेंटी फोर और फिर जो है ना टेन को वन से करेंगे तो टेन आ जाएगा आप सबको ऐड करो तो देखो क्या आता है सिक्स नाइन सिक्स टेन ठीक है और चलो नेक्स्ट स्टेप में आप बेस राइट कर लो या डायरेक्ट इधर भी कर सकते हो ये ब्रैकेट राइट करने तो कर लो इस स्टेप में वरना इस नंबर को वैसे ही राइड कर दो इस स्टेप में ब्रैकेट राइट कर दो ठीक है सिक्सटीन डेसिमल में किया जो तो डेसिमल की बेस टेन होती है चलो नंबर राइट कर लो जो क्वेश्चन था ये हमारे पास रफ में है और ये नीट है एफ ई ए तो ये हमने हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया ओके okay? देख लिया आपने आप नोट कर सकते हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया तो याद रखना है अब आपने कि जब भी आपने डेसिमल से अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो ये वाला मेथड करना है और जब भी अदर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये करना है ओके okay? तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें आप जो है सारी कन्वर्जन देख सकते हो मेरे चैनल की प्ले में जाओ वहां पर आपको जो प्लेलिस्ट होगी वहां पर आपको उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी कन्वर्जन की भी देन डिवीजन जितनी भी हैं ना decimal पे बाइनरी की सारी वो आप चेक कर सकते हो होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा अब आप डिफरेंट क्वेश्चन ले लो और उसको सॉल्व करने के ट्राई करो और अगर आपके पास आ जाता है तो इसका मतलब है आप जो है आपको समझ आ गई है वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो